गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितान संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए हमारे पास में एक प्रश्न आया हुआ है सिरोही राजस्थान से, कल्पेश जोशी जी का है। वे पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र छठवीं कक्षा में है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे संस्कृत पढ़ाऊं, संस्कृत शिक्षा दिलवाऊं, तो इस विषय में कर्मकांड के अलावा और कोई कैरियर के ऑप्शन है क्या, कृपया बतलाएं। अर्थात संस्कृत तब पढ़वाएंगे जो इसमें कोई कर्मकांड के अलावा कोई और भी कोई व्यापार से संबंधित कोई रास्ता खुले, ये बतलाने कृपा करें, ये पूछ रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो विद्या अध्ययन करने का हेतु बतलाया है वो धन नहीं बतलाया है, और तो और कोई कारण बतलाया ही नहीं। महाभाष्य में आचार्य चरण पतंजलि महाराज ने लिखा हुआ है कि जो वेदाध्ययन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को करना चाहिए उसका कारण क्या है पता है? बोले निष्कारण, खास रूप से ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म सदंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के द्वारा वेद, और केवल वेद नहीं, वेद और वेदांग षडंग सहित वेद धर्म, धर्म पूर्वक निष्कारणेन कारण रहित हो करके ध्येयो माने अध्ययन करना चाहिए, ज्ञेयश्च समझना चाहिए, क्योंकि विद्या का मुख्य कारण क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान और कल्याण। तो ब्राह्मण के लिए विशेष क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मणों की जिम्मेदारी अपने साथ साथ और अपने तीनों भाइयों के कल्याणकारी मार्गों को प्रशस्त करने की भी है, इसलिए ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से कहा है कि अपने लिए अध्ययन करिए और दूसरों के मार्ग का जो है द्योतन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए भी आप अध्ययन करिए। निष्कारण क्योंकि इसमें कोई ऐसा लौकिक कारण नहीं होना चाहिए कि धन के लिए, इसके लिए या कोई वैभव आदि के लिए। आजकल तो पढ़ने का मतलब ही हो गया है कि भाई मात पिता बालकने बुलावें उधर भरें सोई धर्म सिखावें। तुलसीदास जी उत्तरकांड में कलियुग के है ना विवरण देते हुए, कलियुग का चित्रण करते हुए कहते हैं कलियुग के माता पिता कैसे हो जाएंगे, बालकों को वही शिक्षा दिलाएंगे जैसे उधर भरने की कुछ खाने पीने की व्यवस्था बने, उनके कल्याणकारी मार्ग की नहीं। तो लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कहते हैं ऋषभदेव जी महाराज पंचम स्कंद में कि वे माता माता नहीं है, वे पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। वे वो नहीं है, कौन नहीं है? बोले जो अपने पुत्र का, शिष्य का, अभिभावक का कल्याणकारी मार्ग न खोल करके, उन्हें कल्याणकारी मार्ग न दिखला करके, केवल उधर भरण पोषण करने का मार्ग दिखलाते हैं, वे वास्तव में माता पिता के रूप में उस बालक के, उस पाल्य के शत्रु ही हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठता। जिसने बालक को नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, मैथ नहीं पढ़ाया, ये जो जो आधुनिक भाषाएं चल रही ये नहीं पढ़ाया, तो वो माता पिता शत्रु है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं दिलवाया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिलवाया, भारतीय शिक्षा नहीं दिलवाई, तो वे ऐसे माता पिता बालक के शत्रु हैं। इसलिए वेदाध्ययन ब्राह्मण बालकों को, द्विज पुत्रों को, क्षत्रिय वैश्य बालकों को उनके माता पिता प्रेरणा दे करके उन्हें निष्कारण सड़ंग वेदों का अध्ययन करवाएं, यही हमारी परंपरा है, इसमें किसी भी प्रकार का संकोच न करें।
हमारे यहाँ जितने भी देखिए जो भी हैं ब्रह्म विद्या वेद है, तो वेद का 80% भाग कर्मकांड ही है और 16% उपासना है और 4%, 4000 मंत्र मतलब 1,00,000 मंत्र में से वो ब्रह्म ज्ञान के है। तो इनमें से जीविका का जो साधन है, भला ब्रह्म ज्ञान से क्या पैसा मिलेगा, वो तो फिर ज्ञानी कैसा है जो ज्ञान बेच करके पैसा लेना, वो तो कर्मकांड तक ही दक्षिणा लेने का विधान है, तो वे सब कर्मकांड के अंतर्गत ही आती है 80,000 ऋचाएं, तो वो तो करना ही है, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत से लोग कर्मकांड का मतलब समझते हैं कि केवल जो मृत्यु के बाद होने वाला अहुर्स दैहिक कृत्य है वही कर्मकांड है, नहीं, वो तो कर्मकांड का एक छोटा सा अंश है, उसके अलावा सब जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो भी कृत्य होते हैं शास्त्रीय विधान के द्वारा, यज्ञ आदि सब संस्कार आदि नित्य नैमित्त काम्य सब कर्म जो है वो सब कर्मकांड के अंतर्गत ही आते हैं। लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का खजाना क्या है, क्या धन है। अभी पूज्य गुरुदेव से श्री निरुक्त ग्रंथ का जो अध्ययन चल रहा था, ये निरुक्त, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कैसे शिष्य का जो है पठन पाठन गुरु लोग करें, विद्या क्या है ब्राह्मणों का, बोले विद्या ही खजाना है, स्वयं विद्या, स्वयं विद्या देवी, स्वयं भगवती आकर के ब्राह्मणों के पास कहती हैं कि विद्या हवई ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मी असूय काया निर्जवे यताया नमा ब्रूया वीर्यवती तथा श्यामा। विद्या ब्राह्मण के पास आकर के कहती हैं कि मां गोपाय मेरी रक्षा करो, मेरे ही रक्षा करिए, क्योंकि मैं ही तेरी सेवधी अस्मी, मैं ही तेरी सेवधी हूं यानी खजाना हूं, और मुझे असूय काया माने जो निंदा नहीं करते ऐसे व्यक्ति को, अनिर्जवे जो कपट रहते हैं लोग उनको, अयताया जो संयम नहीं रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं देना, असूय काया माने निंदा करने वाले को नहीं देना, अनिर्जवे माने जो कपट पूर्वक रहते हैं उसको नहीं देना, अयताय माने जो संयम नहीं करते ऐसे व्यक्ति को नहीं देना, अर्थात जो निंदा रहित हो, जो कपट रहित हो और जो संयम पूर्वक व्यवहार करता हो ऐसे को ही तू मुझे बतलाना। असूय काया निर्जवे अयताय नमा ब्रूया इनको मत बताना, ये क्योंकि ये पढ़ने के अधिकारी नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वीरवती तथा श्यामा तो मैं तेरे लिए वीरवती हो जाऊंगी, कल्याणकारिणी हो जाऊंगी और बलशालिनी हो जाऊंगी। तो जो गुरु लोग ऐसे लोगों को अधिकारी कोई विद्या देते हैं तो वो ही उनका खजाना बन करके उनका कल्याणकारिणी होती है, और ऐसे ऐसे लोग तो पढ़ने के ही अधिकारी नहीं है, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विद्या अध्ययन करने में, विद्या के समय में अध्ययन काल में किसी भी प्रकार का कपट नहीं रखना चाहिए, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, तो बस जो विद्यार्थी ऐसा ऐसा करते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल निश्चल मन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, मनुष्य में जो सबसे बड़ा जो है ये जो अवगुण आ गया वो चालाकी आ गई, हर चीज में चालाकी करना चाहता। अरे भाई मन से वचन से कर्म से चालाकी छोड़िए, मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करे है रघुराई, फिर वो जो है भगवती या भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि अध्यापिता ये गुरु नाद्रियंते विप्रावाचा मनसा कर्मणावा तथैव तेन गुरोर भोजनीयास तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। ये भी निरुक्तम दूसरे अध्याय का, जो अध्यापन कराने वाले जो गुरुजी हैं
उनका गुरु न आद्रियंते, जो विपराह जो अध्ययन करने वाले ब्राह्मण बालक आदि जो आदर नहीं करते मनसा वाचा कर्मणा वा, मन से वचन से कर्म से, है ना, तो वे गुरु के गुरु भोजनिया न, वे गुरु के कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं, वे विद्या के भाजन नहीं बन पाते हैं। तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्, वो वेद विद्या उनको कभी भी प्राप्त नहीं होती। जो कभी भी तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाः, जो कभी भी गुरु से द्रोह नहीं करते हैं, विद्या से द्रोह नहीं करते हैं, उसके साथ में छल नहीं करते हैं, बस उन्हीं के लिए विद्या बतलानी चाहिए। वे ही विद्या अध्ययन करने के अधिकारी हैं और उन्हीं का वो विद्या कल्याण करती है। तो सभी ब्राह्मण बालकों से और उनके अभिभावकों से तथा क्षत्रिय वैश्यों के बालक और उनके अभिभावकों से भी ये विनम्र अनुरोध है कि आप अपने अपने बालकों को और वैदिक विद्या का अध्ययन करवाएं, अध्यापन करवाएं और निष्कारण करवाएं। कारण ऐसा नहीं कि ये वो धन तो उसका एक आनुषंगिक फल है, वो तो प्राप्त होगा ही, जीविका उसकी जो है अपने आप प्राप्त होगी, जिसके पास जितना जो है भगवान ने भेजा है जैसा जैसा है वो धन उसको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। और हमारे यहाँ पहले से भी आज तक जो भी धर्मात्मा कुल हैं या जो पहले थे, ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति ये मैकाले से प्राप्त हुई है, इससे पहले जो भी शिक्षा पद्धति थी वहाँ सभी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सभी बालक जो वेदाध्ययन ही करते थे, अपनी अपनी शाखा का तो अध्ययन अवश्य ही करते थे। तो इसलिए इसका अध्ययन करें, और कोई इसलिए नहीं, बहुत से लोग हैं आजकल नौकरी नहीं लगती है और वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, नौकरी किन लोगों की लगती है, कुछ लोगों की लगती है कुछ को नहीं लगती है। तो भाई उस जो पाश्चात्य विद्या पढ़ने के बाद फिर जीवन भर उसके वजन को ढोते फिरते हैं, वो क्या करती है, जो आपने पढ़ा विज्ञान पढ़ा या ये जो पढ़ा और जो दुनिया भर की कहानी तमाम याद कर रखी है, उल्टे सीधे प्रश्न और गणित का जो कोई मतलब नहीं है वो सब गणित पढ़ा पढ़ाया, उससे क्या लेना देना होगा। अगर उसने जो व्यक्ति ने नौकरी करने के लिए ही तो बस धन कमाने के लिए पढ़ रहा, ऐसा ही जीवन पूरी बाल्यावस्था ऐसे ही निकाल दी, छोटे से ही छोटे से बालकों को बड़ी बड़ी पुस्तकें लाद दी जाती हैं, वो कुछ कुछ मतलब का ही नहीं, ना तो उनको आचरण दे पाता है और ना कल्याण दे पाता, और धन भी नहीं मिला तो गए, पूरा जीवन यूं ही बाल्यावस्था निकल गई कि नहीं निकल गई। और अगर आपने वेदाध्ययन किया तो आपने पुण्य किया, अपने पूर्वजों को तारा, आत्म कल्याण किया, और जीवन भर वो आपके साथ रहेगी, मरने के बाद भी वो विद्या कृपा करती है और अपर जन्म में वो जो है सद्य प्राप्त हो जाती है। और यदि उस विद्या का आपने ढंग से अध्ययन कर लिया और मर्म को समझ लिया तो अपर जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जो आपकी विरासत है, आपके पूर्वजों का धन है, धरोहर है, उसको संभालिए, ना कि पाश्चात्यों के टुकड़े को देख करके ललचाइए। ये विनम्र निवेदन भी है और ये आचार्य होने के से आज्ञा भी है कि आप अपने अपने पुत्रों को और अभिभाव्यों को पाल्यों को अपनी पूर्वजों की धरोहर समर्पित करिए, ना कि दूसरों की जूठन। हर हर महादेव।